हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। और बस यहाँ पर मैंने होरेन को नहला दिया है, तो वो नहा धोकर रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने उसको रेडी कर दिया है और अब मैं भेज रही हूँ उसको ऊपर छत पे, ताकि ये थोड़ा सा धूप ले ले। अभी नहलाया है तो हेलो कर दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हुरो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। गाइस जब कहते हैं ना तब बिल्कुल भी नहीं करती है ये, और वैसे अपने मन से कर देती है। तो बच्चे ऐसे ही है, जो कहते हैं वो चीज़ तो करते नहीं है ये। चलो मैं उसको ऊपर भेजती हूँ, फिर मैं भी नहाती हूँ। तो गाइस अभी मैंने अपने फेस पर डी टैन लगा लिया, अभी थोड़ी देर में स्क्रब भी करूँगी, थोड़ा सा हल्का सा इसको सूखने देते हैं। और तब तक मैं ना यहाँ पे कुछ कपड़े रख लेती हूँ, जैसे कि बाद में जो है रात में सर्दी लगेगी। और हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को तो बता ही नहीं पाया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जिशन भाई की बारात में, तो आज ही हम लोग को निकलना है यहाँ से, आज ही बारात निकल रही है। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कुछ गर्म कपड़े रख लेती हूँ, हुरन के भी गर्म कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से तो नहीं पहन के जा रहे, लेकिन रात में सर्दी ज़रूर लगेगी। तो बस अभी वही रख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मेरा ब्लेज़र और इनका ब्लेज़र, और ये तो इनकी गर्म वो है इनर, इनका भी ब्लेज़र रख लेती हूँ और मैं अपना भी रख लेती हूँ, ठीक है। हुरन के भी रख लेती हूँ कपड़े कुछ। तो डी टेन जो मैंने लगाया था वो मैंने धो लिया है, अब एकदम चेहरा मेरा क्लीन सा लग रहा है, ऐसा डार्क डार्क सा लग रहा था कुछ दिनों से मेरा चेहरा, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और गाइज यहाँ पर मैंने ये सारा सब कुछ रख लिया है, कपड़े वपड़े जो कि रात में ज़रूरत लगेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो आने से रहे एक आध घंटा करके ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो वहाँ पर जो है ना रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है रात का इंतज़ाम करके लेकर के जा रहे हैं अपना ब्लेज़र वगैरह, और इनके भी गर्म कपड़े रख लिए हैं। तो बस यही सब था, और जो पहनने वाले कपड़े हैं वो भी निकाल दिए हैं मैंने इनके, ये यहाँ पर रख दिए हैं और ये। सो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपना सारा मेकअप का सामान निकाल लिया है, तो बस अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये साड़ी, तो ब्लैक साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, और ये सब मेकअप निकाल लिया है, तो बस अभी मेकअप करते हैं। सो गाइज़ फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि मैंने ना बाकी सारी ड्रेसेस निकाली हुई थी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं सोच रही थी मैं लहंगा पहनूंगी रिसेप्शन वाला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे यार मुझे ना हुरैन को भी संभालना है और लहंगे को भी संभालना है, तो दोनों चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, और फिर बारात में जो है ना चलना भी पड़ता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं साड़ी पहनती हूँ, और ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये मैं ना सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। आप लोग बताना कि कैसी लगती है ये साड़ी ना। और बस यहाँ पर अभी मैं हुरैन को रेडी कर रही हूँ, कोशिश मैंने बहुत ज़्यादा की थी साड़ी पहनने की अपने आप से, लेकिन मुझसे नहीं पहनाई गई। तो फिर ना हस्बैंड आए, हस्बैंड ने बोला कि बहुत ज़्यादा लेट कर रही हो, कि चलो तो मैं पार्लर पर छोड़ कर के आता हूँ, वहीं से साड़ी पहनना। तो फिर वो मुझे लेकर के गए थे और वहाँ से ही मैंने साड़ी पहनी थी, क्योंकि वो ना अच्छे से पिनअप वगैरह कर देते हैं और ना बिल्कुल भी सरकती नहीं है। तो अब जो है ना मैं भी कोशिश कर रही हूँ साड़ी पहनने की, मैं धीरे धीरे करके सीख ही जाऊँगी, देखो कोशिश करते रहना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी भी आ गई है, तो बस अभी चलते हैं भैया के घर, और वहाँ से सीमा बाजू मोनू भाई को लेते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे बारात के लिए। ब्लू लाइट। तो गाइस अभी हम रेडी होकर के निकल रहे हैं भैया के घर, वहाँ से हमें सीमा बाजू दूल्हा भाई को लेना है, और फिर वहाँ से निकलेंगे पालरपुर के लिए। तो बस अभी कार में बैठ गए हैं, हुरैन सो रहे थे, हुरैन को सोते से उठा कर लेकर आए हैं थोड़ा सा काम है इसलिए आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैठे हैं हुरैन, और ये पप्पा
तो गाइस यहाँ से बाजी दूल्हा भाई और सानिया को ले लिया है। थक गए? हाँ, गाड़ी में बैठे बैठे। अच्छा, बहुत देर से चल रही गाड़ी। तो सो रही है बीवी, हमारा ये हाल हो रहा है। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं मालनपुर, हम लोग पहुंच चुके हैं और बस गार्डन तो मिल गया हम लोग को, लेकिन अभी दूसरी जगह पर रुके हुए हैं। तो गाइस मेरे ना पैर में इतना ज़्यादा तेज दर्द होने लगा था कि मुझे पेन किलर लेनी पड़ी, और मैं 3 दिन से लगातार पेन किलर खा रही हूँ, लेकिन मेरे पैर का दर्द नहीं जा रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया है और उसकी भी मेडिसिन चल रही है साथ ही में। तो मैंने सोचा कि चलो घर की शादी है तो यार थोड़ा सा इंजॉय तो करना बनता ही है। तो बस अभी तो मेरा दर्द हो रहा था तो मैं कार में बैठी हुई थी, फिर उसके बाद मैंने बारात में जाके खूब सारा इंजॉय किया है अब, और फिर मैंने बारात की कोई भी वीडियो शूट नहीं की है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर। क्या हो गया, नहीं मिल रहा? ला 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 नहीं निकल रहा, लाओ मैं निकालू, लाओ मैं निकालू। भैया मेरे बच्चे तो समझदार है। ओह ये मिल गया, ये हाँ लाओ इसमें लगाओ। गाइस देखो अभी है ना इसके हाथ से रिमोट छूट कर गिर गया था, तो ना सेल सोफे के नीचे चले गए थे, तो इसको दिख तो रहा था लेकिन वो निकाल नहीं पा रही थी। ऐसे इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे ठीक है। अभी ये लूज हो गया है तो इसमें टैप लगाऊंगी मैं। तो सेल मिल गए हैं, टीवी भी चल गई है। लाओ लाओ मैं ऑन करूँ। ये यहाँ पे है, ये देखो रेन की कैसे पढ़ाई हुई थी, तक गंदा लगता है मुझे अभी ये। तो गाइस हमारा नाश्ता हो गया है, चाय टोस्ट और साथ में हलवा। तो बस अभी इसको रखते हैं। और यहाँ पर हमारा ये इंडोर प्लांट धीरे धीरे करके सूखने लगा है, इसको ऊपर छत पे रखना पड़ेगा तभी जाके धूप मिलेगी इसको। और एक ये देखो इसकी पत्तियां ना पीली पड़ने लगी हैं, ऊपर से हरा है नीचे से पीला है। तो इंडोर प्लांट है, इसको भी धूप लगने की ज़रूरत रहती है तभी ये थोड़ा सा चल पाते हैं, वरना ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसको धूप लगाने के लिए ऊपर छत पे रख के आना पड़ेगा। और गाइस मम्मी पापा तैयारी कर रहे हैं ग्वालियर जाने की, क्योंकि किसी का इंतकाल हो गया तो मैं जा रहे हैं, मतलब तो मेरी फुप्पी की बेटी के दादा ससुर का इंतकाल हो गया। तो गाड़ी भी उन्होंने धो दी है। गाड़ी भी धुल गई है। तो गाइस मम्मी पापा बस अभी निकल रहे हैं, तो बस अभी उनके लिए खाना बना देते हैं जल्दी से, क्योंकि दोपहर का 1 बज गया है और बस वो खाना खा कर ही निकलेंगी। रबली बाजी का भी फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि मिट्टी जो है असर के बाद लगेगी, तो बस अभी खाना वाना बना लेते हैं। तो मम्मी रख रही है एक साइड में दाल तुअर की बनने के लिए, और मैं गूंथ रही हूँ यहाँ पर आटा। यहाँ पे पूरी रात ना सो पाने की बातें चल रही हैं, बच्चों से पीड़ित माएँ, मतलब हमेशा यही शिकायतें होती हैं जब दो माएँ मिलकर के बातें करती है ना, तो सिर्फ यही होता है कि आज ये सोया नहीं, आज इसने सोने नहीं दिया, आज ये परेशान कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। लेकिन यार इन चीज़ों को भी एंजॉय करना चाहिए, अच्छा लगता है बच्चों का बचपना। मैं तो ये सोचती हूँ कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनकी कब जल्दी से बड़ी होगी, और कभी ऐसा लगता है उनका बचपन ऐसे ही बरकरार रखेगा। काय को गुस्सा आ रही है,
आंखें ऊपर चढ़ा, ओ भाई ओ आए थोड़े ऊपर चढ़ गए, आई को खुश आ रही है ऊपर, अच्छा लग रहा था उसको। अच्छा ऊपर जा रहे हाँ, हवेली तो गई थी मैं एक दिन, 5 मिनट हो गए होंगे, कल आके अच्छे लाते हुए क्या लाके, अब सो जाना थोड़ी देर में, क्या देख रहा है इतने गुस्से से, सो गई तो पीछे पीछे आ गई है, है फोटो से क्या गुस्सा भाई है, क्या नाम है तुझे बता दे, पाना खाना है सोच रहे पहले तो बस यहाँ पे अभी रोटियाँ सेकते हैं और दाल बनने के लिए रख दी है, और यहाँ पे भरमा बैगन रखे हैं, ठीक है। और हारून कर रहे हैं परेशान फालतू रोंदू है, ऐसे रोने लगी, कहने से ही चुभ गई, चुभ गई। सोएगा, चला दो उसको, सोएगा तो बहुत देर तक। चलो मैं बना रही हूँ रोटी, सुरैन उठ गई है, उसकी मॉर्निंग हो गई, क्या खाया मुंह में है सुबह 9 बजे सोई हैं ये, 4 बजे उठ गई थी और सुबह 9 बजे फिर सोई हैं। लो ये चीज़ खा लो, हलवा खा लो, हलवा है, हलवा खा लो। तो गाइस कल रात में बारात से लौटे और इतने ज़्यादा थक गए थे ना, सुबह फजर में लौटे हैं हम 5:45 बजे, फिर उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि वीडियो वगैरह शूट करना, कल मतलब ऐसे ही सारा दिन सोने सोने में ही चला गया, और बस अब उसके बाद जो है बना रही हूँ वीडियो, कल तो कुछ भी नहीं बन पाया, इस वीडियो को कंटिन्यू किया है, और बस बारात हो गई है, दुल्हन भी घर पे आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई नई दुल्हन घर पे आई, और मुझे भी जाना है वो दिखाई करने के लिए, तो अभी तक तो मैं उसके लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं ला पाई हूँ, जरा भैया भाभी बोलो, क्योंकि वो मुझसे छोटी ही होंगे ना, तो भाभी नहीं बोलती नाजिया बोलती हूँ, क्योंकि ये फिर कुछ लोग कमेंट्स करने के लिए आ जाएंगे कि तुमसे छोटी ही होगी और तुम उसको भाभी बोलोगे, तो ये लेकिन एक रेस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, अगर हम किसी अपने से छोटे की इज्जत दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना, जैसे हमारे घर में कोई भी हमारी नंद होती है, छोटी होती है ना, हम उसको अपनी बोलते हैं बात, है ना, तो एक रेस्पेक्ट होती है, ये नहीं कि वो हमसे बड़ी होगी इसलिए हम उसको अपनी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले वैसे तो मैं उसको जीशान ही बोलती हूँ, लेकिन कल जो है मतलब मेरे मुंह से निकल गया अपने आप से कि निशान भाई आए थे, ऐसा वैसा थोड़ा सा लगा के चलो देना चाहिए, अब उसकी शादी हो गई है भाई, मतलब उनकी वाइफ आई तो वो कही बताओ कैसे नाम ले रही है, तो इसलिए मैंने सोचा, लेकिन कुछ लोगों को हमारे व्यूअर्स को इज्जत लाज नहीं आई हुई, तो सीटी आ गई, दाल बन रही है, मम्मी पापा को निकलना भी है अभी, तो बस एक रेस्पेक्ट के लिए मैंने जीशान भाई बोला था, वैसे तो मैं उसका नाम ही लेती हूँ, अब मैंने सोचा था कि उसकी शादी हो चुकी है तो अब शायद उसको जीशान भाई बोल देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता अगर नाम लेते हैं तो। खैर जिसको जो बोलना है जो सोचना है वो सोचते रहे, मुझको जो करना होगा वो मैं करूँगी, अगर मुझे नाम लेना होगा मैं नाम लूँगी, भाई बोलना होगा मैं भाई बोलूँगी, इसमें आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो मेरी मर्जी है, मुझे किसको रेस्पेक्ट देनी है किसको नहीं। तो हाँ अब मैं नाजिया ही बोलूँगी उनको,
उनके लिए अभी भी मैं अभी तक मैं जो है ना कोई भी मुंह दिखाई नहीं लेके आई, पर कल सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, कपड़े वगैरह सारे रखे, क्योंकि जब भी कहीं जाओगे तो पूरा रूम इतना ज़्यादा फैल जाता, सारा सामान तहस नहस हो जाता, तो उसको सेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो कल मार्केट भी जाता इसी में। लेकिन आज सोच रही जल्दी से काम निपटा के मार्केट जाऊँगी, और फिर मैं उनके घर पर भी जाऊँगी मुँह दिखाई के लिए, उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाना है। सोच रही हूँ क्या लाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, देखते हैं, है ना, अभी थोड़ी देर में मार्केट भी चलते हैं। तो चलिए गाइस, ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर।